वेलकम टू आरजे पल्लवी पॉडकास्ट। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ पंडित अरुण कुमार शर्मा जी के लिखी हुई अपनी जीवनी की सत्य घटना पर आधारित एक कहानी, तिब्बत के रहस्यमय घाटी का एपिसोड नंबर 3। दोस्तों, अगर आप लोग इसका एपिसोड 1 और 2 नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई बटन और स्क्रीन में दे दूंगी, आप लोग जरूर उसे चेकआउट कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आज होगा इस एपिसोड का 1 आवर का स्पेशल एपिसोड, क्योंकि आज है महाशिवरात्रि। सो दोस्तों, आप लोगों को महाशिवरात्रि का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप लोग भी महाशिवरात्रि मना रहे होंगे। आज के दिन और आज का रात एक भव्य रात है और आप लोगों को भी एक बहुत ही अच्छा रात जाएगा इस कहानी को सुनने के बाद। तो आप लोग शिवरात्रि मनाते हैं कि नहीं वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी कि नहीं वो भी कमेंट कीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी कोई मैं न्यू वीडियो लाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज की पंडित अरुण कुमार शर्मा जी की लिखी हुई अपनी जीवनी की सत्य घटना पर आधारित एक कहानी, तिब्बत की रहस्यमय घाटी का एपिसोड नंबर 3। उस सुनसान और उदास घाटी के पार पहाड़ों की ओट में सूरज छिप चुका था, लेकिन उसकी सुनहरी किरणों की रश्मियां अभी भी पहाड़ की उत्तुंग चोटियों और वृक्षों की फुनगियों पर बिखरी हुई थी। जंगली पक्षियों का झुंड कलरव करता हुआ पेड़ों के झुनमुटों में समा जाने की कोशिश कर रहा था। अमावस्या की स्याहे कालिमा अभी धरती पर नहीं फैली थी, मगर पश्चिम का आकाश जहां रक्तांब था, वहीं पूरब के आकाश का बहुत सारा भाग स्याह हो चुका था। और उस रहस्यमय मठ की टूटी फूटी बुर्जी पर बैठा हुआ सोच रहा था, क्या वास्तव में मिथ्या है, भ्रम है और है असत्य या संसार? क्या सब कुछ सपना सपना सा ही है कि और कुछ भी है? बार बार आत्मा क्यों संसार में जन्म लेती है? जीवन के लक्ष्य क्या है? मृत्यु के बाद क्या जीवन है? यदि है तो कैसा है? कोई शाश्वत सत्य भी है? यदि है तो उसे प्राप्त करने का मार्ग कौन सा है? सदियों से हम ये सोचते विचारते चले आ रहे हैं कि जिस संसार के माया जाल में उलझी हुई है हमारी आत्मा, जिस संसार के सुख दुख संताप के बंधनों में बंधी हुई है हमारी आत्मा, और जिस संसार के गहनतम अंधकार में डूबी गई है हमारी आत्मा, उस संसार के बंधन से कैसे मिलेगी हमें मुक्ति? आत्मा के अंतराल से उठने वाले ये तमाम प्रश्न अति विकट है, और उन्हीं का उत्तर पाने के लिए हमारी आत्मा बार बार संसार में आती है, मगर जब आती है तब उलझ जाती है माया जाल के तमाम बंधनों में। आखिर संसार है क्या और क्या है उसका स्वरूप जिसमें हम फंस गए हैं और जिसके अंधकार में डूब गए हैं? आखिर वो है क्या? जब हम जन्म लेते हैं तब हमारी मन में, हमारी चेतना में और हमारी आत्मा में सांसारिक वासनाओं की ग्रंथियां पड़ जाया करती है, जो सदियों से मजबूत होती चली आ रही है, जिनके संस्कार भी सदियों से प्रगाढ़ वो प्रगाढ़तम होते चले आ रहे हैं। परमात्मा में किसी भी प्रकार की ग्रंथियां नहीं है, इसलिए वो निग्रंथि है। आत्मा में वासना की तमाम ग्रंथियां है, इसलिए सग्रंथ है। यदि किसी प्रकार आत्मा की तमाम ग्रंथियां खुल जाए और तमाम संस्कार नष्ट हो जाए, तो हम उसी समय से और उसी क्षण से परमात्मा में एकता का अनुभव करने लग जाएंगे। ऐसी एकात्मा अवस्था में दोनों का स्वभाव एक जैसा होगा। फिर आत्मा और परमात्मा में किसी भी प्रकार का भेद ना रह जाएगा। इसी को अद्भुत भाव कहते हैं। हमारी आत्मा का एकमात्र लक्ष्य है इसी अद्वैत भाव की प्राप्ति, जिसके लिए वो बार बार शरीर धारण करती है।
सांस्कारिक वासनाओं की ग्रंथियां कैसे पड़ जाती है हमारे मन पर, हमारी चेतना और आत्मा पर, और कैसे उनके संस्कार भी अमीट हो जाते हैं, इस पर विचार करना आवश्यक है। यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो इसका कारण एकमात्र मन है। आत्मा से किसी भी प्रकार की सांस्कारिक वस्तु और किसी भी प्रकार की सांस्कारिक वासना से कोई संबंध नहीं है। जो कुछ भी है वो सब मन के द्वारा आत्मा पर आरोपित होता है। मन फिल्म के समान है और जबकि आत्मा है दर्पण के तुल्य। फिल्म में और एक दर्पण में जमीन आसमान का अंतर है, मगर फिर भी कुछ सीमा तक समानता है। दोनों पर प्रतिबिंब पड़ते हैं, लेकिन फिल्म प्रतिबिंब को पकड़ लेता है, जबकि दर्पण किसी भी अवस्था में किसी भी प्रतिबिंब को नहीं पकड़ता है। और यही कारण है कि फिल्म का प्रतिबिंब अमीट हो जाता है और उसके स्थान पर फिर दूसरा प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता। लेकिन दर्पण के संबंध में ऐसी बात नहीं है, वो प्रतिबिंब को पकड़ता ही नहीं, इसलिए उस पर प्रतिबिंब स्थाई नहीं होता। यही स्थिति आत्मा की है, मगर मन ऐसा नहीं है। वो फिल्म के भांति है, उसके सामने जो कुछ आता है उसे वो पकड़ लेता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। जो कुछ पकड़ता है वो सब स्थाई होता है। पूरे जीवन में हमारा मन जाने अनजाने में कितना कुछ पकड़ लेता है, इसका हमें कोई ज्ञान नहीं। हम जिसे जानते समझते हैं उसे तो मन पकड़ता ही है, लेकिन जिसे हम नहीं जानते समझते और जो हमारे अज्ञान में है उसे भी मन पकड़ लेता है। बड़े आश्चर्य की बात है ये। हमारे मन की दो अवस्थाएं हैं, पहली है बहिरंग अवस्था और दूसरी है अनंतंग अवस्था। इन्हीं दोनों अवस्थाओं को मनोविज्ञान चेतन मन और अर्ध चेतन मन कहता है। चेतन मन उन सारी बातों को और उन सारी घटनाओं को पकड़ता है जिसका हमको ज्ञान और अनुभव है। कुछ बातें और कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो होती तो है हमारे आसपास, मगर उनकी जानकारी हमारे चेतन मन को नहीं होती। लेकिन अनजाने में अर्ध चेतन मन उन बातों को और उन घटनाओं को पकड़ लेता है। वास्तव में हमारा दोनों प्रकार का मन हर पल जाने अनजाने में सभी बातों को और सभी घटनाओं को पकड़ता जा रहा है, उनको एकत्र करता जा रहा है। इतना ही नहीं, उनके तमाम संस्कारों को अपनी उस तीसरी अवस्था में अनंत काल तक के लिए सुरक्षित भी रखता जा रहा है, जिसे हम अचेतन मन कहते हैं। इस प्रकार मन की कुल तीन अवस्थाएं हैं, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन की अवस्था। यदि हमारे चेतन मन की अवस्था को सम्मोहित किया जाए तो हम सज्ञानता में घटी अपने जीवन की सारी घटनाओं का सिलसिलेवार वर्णन कर दूंगा और इतना भी बतला दूंगा कि कब कौन सी घटना घटी थी जीवन में। इसी प्रकार यदि हमारे अर्धचेतन मन की अवस्था को सम्मोहित किया जाए तो हम उन तमाम घटनाओं का भी सिलसिलेवार वर्णन कर देंगे जो हमारी अज्ञानता में हमारे आसपास घटित हुई है। सम्मोहन द्वारा मन की तीसरी अवस्था में भी जाया जा सकता है। यदि हमारे अचेतन मन की अवस्था को सम्मोहित किया जाए तो हम अचेतन मन में पूर्व सुरक्षित संस्कारों के आधार पर अपने पिछले कई जन्मों की घटनाओं का आंखों देखा वर्णन कर देंगे। कहने की आवश्यकता नहीं, योगी गण इसी प्रकार अचेतन मन के अंतराल में प्रवेश कर अपने पिछले कई जन्मों का पता लगा लिया करते हैं। खैर, सम्मोहन ध्यान योग का ही एक विशिष्ट अंग है, मगर योग शास्त्र सम्मोहन के स्थान पर चित एकाग्रता शब्द का प्रयोग करता है। उसका कहना है कि मन और चित एक ही वस्तु के दो रूप है। किसी भी प्रकार
मन को एकाग्र नहीं किया जा सकता, मगर हाँ, मन के सहयोग से चित्त और उसकी तमाम वृत्तियों को एकाग्र और निरोधित अवश्य किया जा सकता है। इसी को ध्यान कहते हैं। योग की सारी साधनाओं के मूल में एक भाग ध्यान ही है। स्थूल से सूक्ष्म जगत में यानी बहिर्जगत से अंतर जगत में जाने के लिए एकमात्र साधन ध्यान ही है। मन की अवस्थाओं की तरह ध्यान की भी तीन अवस्थाएं हैं। ध्यान की पहली अवस्था में चेतन मन, दूसरी अवस्था में अर्धचेतन मन और तीसरी अवस्था में अचेतन मन प्रभावित स्थिर अथवा सम्मोहित होता है। इसे मन की एकाग्रता भी कह सकते हैं। यहाँ ये बतला देना आवश्यक है कि इन तीनों अवस्थाओं से हटकर ध्यान की एक और अवस्था विशेष है, जिसे समाधि कहते हैं। परम शांति और परम आनंद का उपलब्ध होना ही समाधि का एकमात्र लक्ष्य है और इस परम लक्ष्य की सिद्धि एकमात्र होती है ध्यान योग से। खैर, योग के मनोवैज्ञानिक पक्ष के अनुसार जब हम मृत्यु के समय शरीर का त्याग करते हैं, उस समय चेतन और अर्धचेतन मन अचेतन मन के अस्तित्व में विलीन हो जाती है। शरीर का त्याग कर आत्मा जब अपनी अंतहीन यात्रा पर निकलती है, उस अवस्था में उसके साथ केवल अचेतन मन ही रहता है। आत्मा के साथ अचेतन मन का अस्तित्व हर समय, हर काल में और हर अवस्था में बना रहता है। दोनों के इसी नित्य संबंध के कारण आत्मा को जीवात्मा की संज्ञा दी गई है। आत्मा के साथ अचेतन मन का अस्तित्व ना हो तो आत्मा ना कहीं जन्म ले सकती है, ना नया शरीर धारण कर सकती है और ना तो नया जीवन ही प्रारंभ कर सकती है। जन्म, जीवन और मृत्यु, इन तीनों के पीछे एकमात्र कारण अचेतन मन ही है। मृत्यु के बाद आत्मा अचेतन मन में एकत्र वासना संस्कारों के आधार पर यात्रा करती है। उसी के अनुसार वो नया जन्म ग्रहण करती है और उसी के अनुसार नया जीवन भी प्रारंभ करती है। वो गर्भ में जब तक पूरी तरह शरीर की रचना नहीं हो जाती और उसमें जब तक प्राणों का संचार पूरी तरह नहीं हो जाता, तब तक जीवात्मा इंतजार करती रहती है गर्भस्थ शरीर में प्रवेश करने के लिए। उसके गर्भ में प्रवेश करते ही अर्धचेतन मन अपना काम करने लग जाता है। यदि मन को पदार्थ मान कर चले तो उसमें लगभग 7 करोड़ सेल है और प्रत्येक सेल में करोड़ों सूचनाओं को एकत्र करने की क्षमता मन में है। इस दृष्टि से मन की तुलना से हमारा जीवन बहुत ही छोटा है। इस भ्रम में कदापि नहीं रहना चाहिए कि मृत्यु उन सेलों में एकत्र हुई सूचनाओं को नष्ट कर देती है। नहीं, कभी नहीं। जब से हमारी आत्मा संसार के आवागमन के चक्र में फंसी है, तब से हमारा मन हर जन्म के बातों को और हर जन्म की घटनाओं को एकत्र करता जा रहा है अपने आप में, और जिनके संस्कारों का भार लिए हमारी आत्मा बार बार संसार में आती है और बार बार शरीर छोड़ती है। यदि विचार किया जाए तो हमारे मन के विशाल भंडार में पिछले हजारों लाखों जन्मों की सूचनाएं भरी पड़ी है और इसी प्रकार हमारी आत्मा के सिर पर हजारों लाखों जन्मों के संस्कारों का बहुत बड़ा बोझ लदा हुआ है। भविष्य में न जाने कितना लदेगा। फिर हमको ब्रह्म बनना नहीं है, हमको सत्य प्राप्त करना नहीं है, हम स्वयं ब्रह्म हैं। इस हम स्वयं सत्य को उपलब्ध है, बस थोड़े से विचार और थोड़े अभ्यास की आवश्यकता है। हम मानकर चले कि भीतर आत्मा है, आत्मा के ऊपर मन है और मन के बाहर संसार है। संसार बराबर बदल रहा है, संसार की सारी वस्तुएं हर पल बदल रही है, बराबर उसमें परिवर्तन हो रहा है। मन में किसी वस्तु का परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसमें जो वस्तु जहां है वही स्थिर है, वही अमिट है। मन के पीछे आत्मा है।
आत्मा कोई वस्तु है ही नहीं, इसलिए उसमें परिवर्तन होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आत्मा में कुछ है तो केवल आरोपण। संसार में और जीवन में जो बातें हो रही है और जो घटनाएं घट रही है, मन में उसका स्वरूप और आकार बन रहा है, जिसकी छाया भी स्थायी रूप से आत्मा पर पड़ रहा है। इसी के फल स्वरूप भ्रम होता है कि मन और आत्मा एक ही वस्तु है, दोनों में तादात्म्य है, दोनों अभिन्न है। दोनों में किसी भी प्रकार की भिन्नता न दिखलाई देने के कारण ये भ्रम हो जाता है कि जो मन है वही आत्मा है और जो आत्मा है वही मन है, क्योंकि जो मन में है उसकी छाया आत्मा में स्पष्ट दिखलाई देती है और उस छाया को हम वास्तविक मान लेते हैं। यही माया है। यदि उस छाया को छाया मान ले, वास्तविक नहीं, तो वो माया अपने आप दूर हो जाएगी हमसे, हमें स्वयं मुक्त कर देगी। वो उसे मुक्त होने के लिए हर बार हमारी आत्मा शरीर धारण करती है और हर बार शरीर छूट जाती है, मगर मन नहीं छूटता, छूटता है केवल शरीर। मन तो आत्मा के साथ एक जन्म से दूसरे जन्म में चला जाता है, शरीर के साथ रुकता नहीं, शरीर के साथ मृत भी नहीं होता। मन के अस्तित्व को नष्ट करने की शक्ति किसी में नहीं है। यदि किसी में शक्ति है मन को मिटाने की, तो वो है केवल समाधि में। समाधि की स्थिति में आत्मा का मात्र केवल अस्तित्व रहता है, मन की सत्ता नहीं रहती। समाधि दो प्रकार की है, सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। इन प्रत्येक समाधि के 12-12 भेद है, इस प्रकार से 24 समाधियां हैं। सविकल्प समाधि में आत्मा और जगत आमने सामने आ जाते हैं। निर्विकल्प समाधि में आत्मा के सामने से जगत भी हट जाता है, केवल आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। इसलिए योगी जन समाधि को महामृत्यु कहते हैं, इसलिए कि मृत्यु में केवल शरीर ही मरता है, मन नहीं। मगर महामृत्यु समाधि में दोनों ही मर जाते हैं, शरीर भी और मन भी। केवल बच जाती है आत्मा, क्योंकि आत्मा अमर है, किसी काल में किसी अवस्था में उसके अस्तित्व का नाश नहीं। आत्मा के साथ मन का अस्तित्व बराबर बना रहता है। आत्मा जहां जाती है, मन भी उसके साथ वहीं जाता है। मन का प्रतिबिंब बराबर बना रहता है आत्मा पर, जिसका परिणाम ये होता है कि आत्मा ये समझने लग जाती है कि मन में जो विद्यमान है वो मैं ही हूँ। आत्मा की यही समझ और यही भाव और यही धारणा उसे बंधन में बांध देती है जगत की और माया की, और तब वो हो जाती है जीवात्मा यानी जीव। यही जीव भाव हमारा जगत है, हमारा संसार है, हमारा बंधन है और है हमारी ग्रंथि। इन सबसे मुक्त होने के लिए एकमात्र उपाय यही है कि हम अपने और आत्मा के बीच से मन को हटा दें। मगर ये संभव कैसे है? कैसे हटाया जा सकता है मन को? इसके लिए एक ही रास्ता है और वो रास्ता है ध्यान। ध्यान के अभ्यास से मन धीरे धीरे बीच में से हटने लग जाता है और अंत में एक ऐसा क्षण आता है जब हमें बिना मन के जगत की झलक मिल जाती है, जिसके फल स्वरूप हमारे सामने ये स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा के भीतर कुछ भी नहीं, वो साफ है, स्वच्छ है और है निर्मल। इसी को कहते हैं आत्मदर्शन और आत्म साक्षात्कार। इसमें हमें परम वैराग्य की उपलब्धि होती है और परम वैराग्य की गहरी अवस्था में हमें बार बार आत्मा के निर्मल स्वभाव का अनुभव होने लग जाता है। वास्तव में आत्मा के निर्मल स्वभाव का जो अनुभव है वही परम ब्रह्म है। आत्मदर्शन और आत्म साक्षात्कार के बाद है परम ब्रह्म दर्शन और परम ब्रह्म साक्षात्कार। मन के अस्तित्व से जब ब्रह्म का योगायोग होता है तो वह संसार हो जाता है। मन की सत्ता से जब ब्रह्म का योगायोग समाप्त होता है तो वो परम ब्रह्म हो जाता है। मन के साथ
जब आत्मा का संबंध स्थापित होता है तो वो आत्मा के लिए शरीर अनिवार्य हो जाता है। इसलिए कि बिना शरीर के मन की वासनाओं की पूर्ति और तृप्ति नहीं हो सकती, उसके लिए शरीर आवश्यक है। कभी किसी क्षण भी मन वासना और कामना से रहित अथवा शून्य नहीं हो सकता, हमेशा भरा रहता है वासनाओं से वो। उसके लिए मोक्ष, निर्वाण, मुक्ति आदि भी एक प्रकार की वासना और कामना है। इसलिए आत्मा को भी बार बार शरीर धारण करना अनिवार्य और आवश्यक हो जाता है। शरीर, मन और आत्मा के संदर्भ में प्रेरित आत्माओं पर भी विचार करना यहाँ आवश्यक है। जीवात्मा का ही एक रूप प्रेतात्मा है। क्यों होते हैं लोग प्रेत? प्रेत योनि किसे मिलती है? क्यों मिलती है? प्रेतात्मा किसे कहते हैं? आदि बातें अति गंभीर है। मृत्यु बहुत बड़ी घटना है और वो घटना एक प्रकार की बेहोशी की स्थिति में घटती है, जिसे मृत्यु की मूर्छा कहते हैं। मृत्यु की उसी मूर्छा की स्थिति में चेतन और अर्धचेतन दोनों मन अपनी अचेतनावस्था में विलीन हो जाते हैं और उसके बाद आत्मा अचेतन मन के साथ शरीर छोड़कर अनंत यात्रा पर निकल पड़ती है। मृत्यु के मूर्छा के पहले जिस किसी व्यक्ति के चेतन मन में वासना का वेग प्रबल रहता है, तो उसके फल स्वरूप मरते समय उसका चेतन मन अचेतन मन के अस्तित्व में विलीन नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में मृत्यु के बाद वो मन उस व्यक्ति की आत्मा के साथ चला जाता है और ऐसे ही आत्मा प्रेतात्मा कहलाती है और ऐसे ही व्यक्ति को प्रेत योनि मिलती है। प्रेत उस आत्मा का नाम है जिसका शरीर तो उसमें अलग हो गया है मगर मन अलग नहीं हुआ है। मन के लिए शरीर अनिवार्य है क्योंकि बिना शरीर के मन की वासनाओं की पूर्ति संभव नहीं है। मन की वासनाएं शरीर के द्वारा ही तृप्त हो सकती है। प्रेत आत्मा के पास मन तो है लेकिन शरीर नहीं है। मन है भी तो उसके पास इंद्रियां नहीं है। मन इंद्रियों के माध्यम से ही अपनी वासनाओं की पूर्ति करता है और वे इंद्रियां शरीर में ही उपलब्ध है। प्रेत आत्माओं के सामने दो मुख्य परिस्थितियां हैं। मन है लेकिन शरीर नहीं है, ये पहली परिस्थिति है। मन है लेकिन उसे इंद्रियां उपलब्ध नहीं है, ये दूसरी स्थिति है। इन दोनों परिस्थितियों में प्रेत के लिए शरीर अनिवार्य हो जाता है। शरीर के प्रभाव में उसकी मानसिक स्थिति पागलों जैसी हो जाती है और वो शरीर के लिए भटकता रहता है। एक ओर वासना का प्रबल वेग और दूसरी ओर शरीर का प्रभाव भयंकर कष्टप्रद स्थिति होती है प्रेत आत्माओं के लिए। प्रेत के पास मन है और मन में वासनाओं का प्रबल वेग भी है लेकिन साधन नहीं है। ऐसी विषम और विकट स्थिति में अपनी वासनाओं के अनुकूल जिस किसी जीवित व्यक्ति का शरीर देखता है उसी में प्रवेश कर जाता है वो। इसी को प्रेत बाधा कहते हैं। जिस व्यक्ति के शरीर में प्रेत प्रवेश करता है उसके शरीर पर, उसके मन पर और उसकी तमाम इंद्रियों पर प्रेत का पूरा अधिकार हो जाता है। फिर ऐसी स्थिति में प्रेतवादित व्यक्ति जो कुछ शारीरिक और मानसिक कार्य करता है उन पर प्रेत का अधिकार होता है। उनका सुख और आनंद प्रेत उठाता है। मरोना प्रांत जिस आत्मा के पास अपना चेतन मन नहीं है उसे सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। मृत आत्मा जब सूक्ष्म शरीर धारण करती है तो उन्हें सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। सूक्ष्म शरीर प्राणों से निर्मित होता है जो मरने के 10 दिन के भीतर बनकर तैयार होता है। सूक्ष्म आत्माएं 11, 84 या 365 दिन के भीतर अपने लिए शरीर खोज लिया करती है। कभी कभी कोई सूक्ष्म आत्मा के शरीर के छूटने के तुरंत बाद ही अपने लिए नया शरीर प्राप्त कर लिया करती है। प्रेत का मतलब केवल इतना ही है कि जिसे अभी तक शरीर उपलब्ध नहीं हुआ है, आत्मा के लिए हर स्थिति में शरीर अनिवार्य है। बिना शरीर के वो रह नहीं सकती, भले ही वो शरीर स्थूल हो, सूक्ष्म हो या हो और कोई। आत्मा जब भौतिक शरीर धारण करती है तो उसे मनुष्यात्मा, जब वासनात्मक शरीर धारण करती है तो उसे प्रेतात्मा,
जब प्राणमय शरीर धारण करती है तो सूक्ष्मात्मा और जब मनोमय शरीर धारण करती है तो देवात्मा कहते हैं। ये सभी प्रकार के आत्माओं का केंद्र हमारी ये धरती है। इन सब में भौतिक शरीर अति मूल्यवान और दुर्लभ है। शरीर के अभाव में इस प्रकार भटकने वाली उत्कृष्ट आत्माओं को देव और निकृष्ट आत्मा को राक्षस कहा जाता है। पुराणों के सुर असुर भी यही हैं, देव दानव भी यही हैं, दर्शना शास्त्र की सद असद वृत्तियां भी यही हैं। भारतीय संस्कृति में इन दोनों प्रकार के आत्माओं को इस प्रकार विभिन्न रूप दिए गए हैं। तांत्रिक संस्कृति में विभिन्न क्रियाओं, उपासनाओं और साधनाओं के बल पर लौकिक और परलौकिक कार्यों की सिद्धि के लिए इन दोनों प्रकार की आत्माओं की शक्तियां की सहायता लेने के अनेक विधि विधान मिलते हैं। सद आत्माओं की शक्तियां परलौकिक कार्यों में और असद आत्माओं की शक्तियां लौकिक कार्य में सहयोगी सिद्ध होती है। जब हमारी आत्मा पर असद आत्माओं का प्रभाव पड़ता है तो असद वृत्तियों का जागरण होता है और तब हम बुरे कार्य करते हैं जिसमें उस असद आत्मा को तृप्ति और शांति मिलती है। इसी प्रकार जब हमारी आत्मा पर सद आत्माओं का प्रभाव पड़ता है तो हमारे में सद वृत्तियां जागृत होती है और तब हम अच्छे कार्य करते हैं जिससे उन सद आत्माओं को तृप्ति और शांति मिलती है। बड़ा मनोविज्ञान का ये निर्विवाद सिद्धांत है कि जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमारी मानसिक चेतना का संबंध अच्छी आत्माओं से जुड़ जाता है और जब हम कोई बुरा काम करते हैं तो हमारी मानसिक चेतना का संबंध बुरी आत्माओं से स्थापित हो जाता है। मन की आवश्यकता शरीर है। मरते ही तत्काल मन को शरीर चाहिए। पुनर्जन्म का यही कारण है। जो पुनर्जन्म को नहीं मानते वे भी दीर्घ काल तक अंतरिक्ष में भटकने के बाद किसी न किसी रूप में जन्म ले ही लेते हैं। आत्मा मन से जुड़ी हुई है। आत्मा मन से जुड़ी हुई है। मन से शरीर भी जुड़ा हुआ है। मन बीच में है। एक ओर आत्मा है तो दूसरी ओर मन के हैं शरीर। इसलिए साधना भी दो प्रकार की निर्धारित की गई है। पहली साधना को तपश्चर्या और दूसरी साधना को ज्ञान कहते हैं। मन से आत्मा का और शरीर का संबंध टूटना चाहिए, तभी मुक्ति संभव है। जीवन मृत्यु के चक्र से भी निवृत्ति संभव है। शरीर का मन से तोड़ने का जो प्रयास है उसका नाम तपश्चर्या है, मगर तपश्चर्या का मार्ग लंबा है। तपश्चर्या एक लंबी यात्रा है। उसका मार्ग कंट का कीर्ण है। उसकी यात्रा भी कष्टदायिनी है और तपश्चर्या का परिणाम भी संदेहास्पद है। मन से आत्मा को तोड़ने का जो प्रयास है उसका नाम है वेदांत, उसका नाम है ज्ञान। भारतीय मनीषियों के शब्दों में शरीर से मन के संबंध को तोड़ने के प्रयास का नाम है योग और मन से आत्मा के संबंध को तोड़ने का नाम है सांख्य। संपूर्ण भारतीय आत्मपरक साधनाओं के मूल में यही दो निष्ठाएं हैं। पहली निष्ठा है योग और दूसरी निष्ठा है सांख्य। सांख्य का मौलिक अर्थ केवल इतना ही है कि मात्र ज्ञान पर्याप्त है। सांख्य के मार्ग पर चलने वाले साधक को ज्ञान योगी कहते हैं। इसी प्रकार योग का मौलिक अर्थ केवल इतना ही है कि बहुत कुछ करना होगा तभी कुछ उपलब्ध हो सकेगा। योग के मार्ग पर चलने वाले साधक को कर्म योगी कहते हैं। सांख्य और योग पहला है ज्ञान और दूसरा है कर्म। ज्ञान और कर्म पहला है आत्मा का विषय और दूसरा है शरीर का विषय। विशेष अध्ययन के लिए पढ़े शरीर से मन और मन से आत्मा की ओर। खैर, सांझ की स्याही अब रात्रि की प्रगाढ़ काली माँ में बदल चुकी थी। ऐसे विषयों पर सोचने विचारने और चिंतन मनन करने में जब मैं आखंड डूब जाता हूं तो समय का ज्ञान नहीं रहता है मुझको। उस दिन भी समय का ज्ञान नहीं रहा मुझे। आकाश काला हो चुका था
और उसके सीने पर बिखरे नक्षत्रों के आंखें चमकने लगी थी। घाटी की उदासी भी गहरी हो गई थी। बुर्जी से उठकर अपने कमरे में आ गया मैं। रोज की तरह एक और खाना रखा था, गरम और स्वादिष्ट। एक बड़े से मग में पानी भी रखा था वहां, और साथ में गिलास भी। थाली में गरम और स्वादिष्ट भोजन कौन रख जाता है मेरे कमरे में, खरा खरा सोचने लगा मैं। अब तक काफी प्रयास करने के बावजूद भी खाना रखने वाला व्यक्ति दिखलाई नहीं पड़ा था मुझे। कौन है वो व्यक्ति? बार बार सोचने पर भी अब तक इसका समाधान ना हो सका था। बड़ी आश्चर्य की बात थी। तभी कमरे में सरसराहट की आवाज हुई और उसी के साथ सुनाई पड़ा, क्या सोच रहे हैं? भोजन करिए। एक बार की चौक पड़ा मैं। आवाज किसी नारी कंठ से निकली थी। मधुर थी वो आवाज। पलटकर दरवाजे की ओर देखा, एक युवती खड़ी मुस्कुरा रही थी। कमरे में जल रही लालटेन की पीली रोशनी में उसका सुंदर सा मुखड़ा चमक रहा था। चमक रही थी उज्जवल बुद्धि दीप्त और खोज करती हुई सी उसकी दो बड़ी बड़ी कजरारी आंखें। दूध में महावर धुला हो जैसे ऐसा ही था उसकी देह का रंग। घने काले रंग की केश राशि खुलकर पीठ पर बिखरी हुई थी। कुछ क्षण तक अपलक निहारता रहा उस अज्ञात युवती की ओर, फिर हाथ बढ़ाकर लालटेन की रोशनी तेज कर दी मैंने, और तब उस नवोड़ा का उज्जवल रूप और भी अधिक जगमगा उठा। बड़ी ही बाकी छवि थी उस युवती की। विस्मय से जाने कब तक निहारता रहा मैं उस स्वर्गीय छवि की ओर। अचानक कुछ कौन सा गया मेरे मस्तिष्क में। पहचानने में भूल नहीं हुई थी, किसी प्रकार का भ्रम नहीं हुआ था मुझको। वो वही युवती थी जिसकी झलक मुझे आंगन में मिली थी और जो उस रात मेरे कमरे में भी आई थी। दूसरे ही क्षण आश्चर्य और कुतूहल के मिले जुले भाव से भर गया मेरा मन। कौन है ये युवती? क्या यही तो खाना नहीं रख जाती है मेरे कमरे में चुपचाप? शायद मेरे मन के भाव को समझ गई वो युवती। पहले धीरे धीरे चलकर वो मेरे करीब आई और फिर मधुर स्वर में बोली, तुमको आश्चर्य हो रहा है ना मुझे देखकर? मैं कौन हूँ ये भी तुम जानना चाहते हो ना? पहले खाना खा लो, फिर सब बतलाऊंगी मैं तुमको। सम्मोहित सा खाने लगा मैं। पहले से अधिक स्वादिष्ट खाना था उस दिन। भरपेट खाया मैंने। जब खा चुका तो वो युवती मेरे करीब सटकर बैठ गई। दूसरे ही क्षण उसके कोमल और स्निग्ध स्पर्श से रोम रोम सिहर उठा मेरा, और उसी के साथ नारी घन से बढ़ उठा मेरा नाशा फूट। जरा हटना चाहा, मगर हटने नहीं दिया उसने। क्या चाहती थी वो? पाषाणवत देखने लगा मैं उसकी ओर। हजार प्यालियों के नशे से मदहोश उन स्वप्निल आंखों में मैंने क्या देखा बतला नहीं सकूंगा मैं। एक बार की उद्देलित हो उठा मेरा मन। नव परिणीता वधू सी वो और अधिक सट कर बैठ गई, और दूसरे ही क्षण उसकी रसवंती दहलता भी लिपट गई मुझसे। कांपते प्राणों से भरंजर देखा मैंने उसे। कैसी आसुरी छवि थी उसकी। रतनारी आंखों में एक विचित्र सा सम्मोहन उतर आया था उस समय। रक्तिम होंठ फड़क रहे थे, जवा कुसुम जैसे गालों पर आग की लपटें खेल रही थी जैसे। फिर एक अजीब सी गंध से न जाने कैसा होने लगा मेरा जी। लगा जैसे चेतना खो बैठूंगा मैं किसी भी पल। मगर चेतना शून्य नहीं हुआ मैं। तभी फिस फिस कर सुनाई पड़ा उसका स्वर, मैं कौन हूं ये जानना चाहते हो ना तुम? मेरा नाम पूजा है, इसी मठ में रहती हूं मैं। एक लंबे अरसे से रह रही हूं मैं इस कापालिक मठ में, मगर इस मठ में रहना मेरे लिए एक अभिशाप के सिवा और कुछ नहीं है। जब से हूं तब से एक गहरी अशांति और एक गहरी अतृप्ति लिए भटक रही है मेरी आत्मा यहाँ। चारों ओर शून्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं रह गया है।
अब मेरे जीवन में। इतना कह एक लंबी सांस ली पूजा ने और फिर कहने लगी, परमात्मा और कुछ नहीं, केवल मात्र एक शक्ति है, उसका अपना शाश्वत नियम है और उसी शाश्वत नियम का नाम धर्म है। धर्म का अर्थ है उस शाश्वत नियम का पालन। तांत्रिक साधना और कुछ नहीं है, उसी परम शक्ति की ही मात्र साधना है। यदि उस साधना में जरा सी भी त्रुटि हुई कि सर्वस्व नाश निश्चित है साधक का। समझ लो यही हालत और यही दशा मेरी अपनी हुई। स्वयं सर्वस्व नाश कर बैठी मैं अपने और, तब से जल रही हूँ पश्चाताप की अग्नि में और तभी से मैं अतृप्त कामना लिए भटक रही हूँ इस मठ में भी। एकाएक चुप हो गई पूजा, फिर अपने आलिंगन में मुझे समेटती हुई गंभीर स्वर में कहने लगी, वो जब से मैंने तुमको यहां देखा है तभी से मुझे ऐसा लगने लगा है कि अब मेरी सारी पीड़ा, सारी व्यथा, सारी वेदना और सारी चिंता दूर हो जाएगी और दूर हो जाएगा सारा दुख कष्ट भी, उद्धार भी हो जाएगा मेरा। इस समय भी मुझे और मेरी आत्मा को तुम्हारे समीप जो शांति मिल रही है उसे बतला नहीं सकती मैं। पूजा कोई उच्च कोटि की साधिका है लेकिन किसी कारणवश पथ भ्रष्ट हो गई है, ये समझते देर न लगी मुझे। मगर मेरी समझ में ये नहीं आया कि मुझसे कैसे और किस प्रकार दूर होगी उसकी पीड़ा, व्यथा और वेदना, मुझसे कैसे होगा उसकी अवश आत्मा का उद्धार। और फिर इतने दिनों से मैं इस मठ में हूं, कहां थी अब तक वो, क्यों नहीं मिले मुझसे इसके पहले इस तरह। उस स्थिति में न जाने क्यों और कैसे अचानक मोह पैदा हो गया पूजा के प्रति मेरे मन में। एक क्षण के लिए ऐसा भी मुझे लगा कि पूजा से मेरा काफी पुराना और घनिष्ठ संबंध है, मैं जानता हूं उसे, उसके मादक स्पर्श से और कोमल आलिंगन से भी भली भांति पूर्व परिचित हूं मैं। एक बात पूछूं, हौले से बोला मैं। पूछिए, अपने सिर को मेरे सीने से सटाती हुई पूजा ने कहा। इस सुनसान और निर्जन घाटी में और इस उदास मठ में कितने दिनों से हूं मैं, मगर तुम मुझे कभी नहीं दिखलाई पड़ी यहां, मुझसे इस प्रकार मिलने की भी कोशिश नहीं की तुमने। तुमको नहीं मालूम मेरे तौर तरीके के बीच एक बहुत बड़ी रुकावट थी, उसी रुकावट के कारण अब तक जाकर भी मैं तुमसे नहीं मिल पाई थी। कौन सी थी वो रुकावट? पूजा ने जैसे ही कुछ कहना चाहा कि उसी समय यमदूत की तरह से भैरवानंद प्रकट हो गया वहां। चेहरा तमतमाया हुआ था उसका और क्रोध से उसकी आंखें गुड़हल के फूल की तरह लाल हो रही थी, पूरा शरीर कांप रहा था उसका। उस समय एक बार मेरी ओर उसने अपने आग्नेय दृष्टि से देखा और फिर पूजा की ओर बढ़ावो। मैंने देखा पूजा थरथर कांप रही थी। उस समय भैरवानंद को आगे बढ़ते देखकर दोनों हाथों से अपना मुंह छिपाकर एक बार की चीख पड़ी वो, फिर कांपते स्वर में कहने लगी, नहीं 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 नहीं, मेरी बलि मत दो भैरवानंद, मत दो मेरी बलि। प्रायश्चित के लिए मैं सारी यातनाएं सहने के लिए तैयार हूं, मगर मेरी बलि मत दो। इसके बाद फपक फपक कर रोने लगी पूजा। कुछ समझ में नहीं आया मेरे, इस अप्रत्याशित घटना ने एक बार की स्तब्ध और हतप्रभ कर दिया था मुझे। पूजा बराबर रोती रही, चीखती चिल्लाती रही, लेकिन भैरवानंद ने ध्यान नहीं दिया उस ओर। लपक कर उसने पूजा का हाथ पकड़ लिया और लगभग घसीटता हुआ कमरे के बाहर ले गया उसे वो। मुंह बाएं जड़वत देखता रहा मैं, मेरी स्थिति कैसी थी उस समय बतला नहीं सकता। न जाने क्या सोचकर मैं भी पूजा के पीछे चल पड़ा। भैरवानंद पूजा का हाथ थामे जल्दी जल्दी आंगन की ओर बढ़ रहा था। आंगन में पहुंचकर मैंने देखा साधु सन्यासी की भेष में वहां बहुत से लोग इकट्ठे थे। सभी का चेहरा कठोर और गंभीर था, वातावरण भी उदास और खिन्न लगा मुझे। आंगन के किसी कमरे में कोई अपने अभ्यस्त हाथों से नगाड़ा बजा रहा था। नगाड़े के अलावा कई साज और भी बज रहे थे जिसका करुण स्वर नगाड़े की ध्वनि के साथ मिलकर वातावरण को और भी अधिक उदास और खिन्न बना रहा था।
उस कापालिक साधु सन्यासियों के अतिरिक्त आदिवासी से लगने वाली 16-17 साल से 20-22 साल तक की आयु की कई युवतियां भी वहां थी। उनका कद नाटा और रंग काला था, एक प्रकार से सभी अर्ध नग्न थी। शरीर का ऊपरी भाग अनावृत था और कमर के नीचे वे सब केवल लाल रंग के लुंगी लपेटे हुए थी। रूप रंग से भयानक लगने वाली उन युवतियों का भी चेहरा क्रूर और बीभत्स था। उनकी आंखें छोटी थी और उनके जबड़े नीचे की ओर लटक रहे थे। गले में कोड़ियों और काले मूंगे की मालाएं थी जो उभरे हुए कठोर स्तनों पर बिखरी हुई थी। मैंने देखा सभी नव युवतियों के हाथों में लप लपाती हुई नंगी तलवारें थी और था नर कपाल जिसमें मदिरा भरी थी। शायद सभी के पैर एक साथ नगारे की ध्वनि पर थिरक रहे थे। बीच बीच में नर कपाल को मुंह से लगाकर मदिरा पान भी कर लिया करती थी वे। मंदिर के भीतर देवी के सामने कई दीपाधारों में एक साथ चौमुखे दीप जल रहे थे और हवन कुंड से निकलकर सुगंधित धूम्र चारों ओर फैल रहा था। उस समय देवी की प्रतिमा लाल रेशमी साड़ी से लिपटी हुई थी और प्रतिमा के गले में जवा पुष्पों की मालाओं के साथ शिशुओं के नरमुंडों की माला भी आपात झूल रही थी। कापालिक संप्रदाय की अधिष्ठात्री देवी कंकाल काली का वो रूप बड़ा ही रौद्र और भयानक प्रतीत हुआ मुझे उस समय। ऐसा लगा मानो अभी कुछ समय पहले उस महाशक्ति का पूजन हवन हुआ है। कुल मिलाकर बड़ा ही भयानक और विभत्स वातावरण था उस समय वहां का। पूजा के आंगन में पहुंचते ही सभी कापालिक साधु सन्यासियों के नजरें एक साथ घूम गई। उनके चेहरे भी पहले से ज्यादा कठोर हो गए और उपेक्षा का भाव भी दिखाई देने लगा। नाटे कद और बदसूरत शक्ल वाली उन युवतियों के नगाड़े की आवाज पर थिरक रहे पैर अपने आप रुक गए। मदिरा भरा कपाल पात्र एक बार की छलक उठा और उसी के साथ उनके हाथ भी अपने जगह थम गए। पूजा बराबर चीखती चिल्लाती जा रही थी और रो भी रही थी, मगर उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं था। पूजा का हाथ अभी भी कस कर पकड़े हुआ था भैरव अनंत। क्रोध से उसकी आंखें और अधिक लाल हो रही थी और सारा शरीर कांप रहा था। कभी कदा वो मेरी तरफ भी देख लिया करता था, लेकिन उसकी लाल लाल आंखों से ऐसा लगता था मानो वो मुझे पहचानता ही नहीं था और पहली बार देख रहा था। बड़ा ही आश्चर्य हुआ उसके इस व्यवहार से मुझको। फिर अचानक ख्याल आया कि पूजा की बलि के लिए उसे वहां लाया गया था। ये ख्याल आते ही भय से मेरा रोम रोम कांपने लगा। तभी ना जाने किधर से एक लंबा चौड़ा काठी का कापालिक सन्यासी आकर पूजा के सामने खड़ा हो गया। उसका सारा शरीर लाल रंग की रेशमी चादर से लिपटा हुआ था। उसका सिर बेढोल था और चेहरा भयानक। उसके चेहरे पर क्रोध, घृणा और उपेक्षा के भाव एक साथ तैर रहे थे। मैंने भीत दृष्टि से उस सन्यासी की ओर देखा। वो एकाएक बिना पलक झपकाए पूजा की ओर देख रहा था। कुछ क्षण बाद वो हो होकर हंसने लगा। उस सन्यासी की उपस्थिति तो अनोखी लगी ही, साथ ही उसकी हंसी भी डरावनी सी लगी। मन में बार बार यही विचार आता कि भाग कर बाहर चला जाऊं, मगर पैर जरवत हो गया था मेरा। हे भगवान, कहां जाकर फंस गया था मैं। उसी समय मुझे लगा कि उस भयानक आकृति वाले कापालिक सन्यासी को कभी कहीं देखा है। फिर सब कुछ याद हो आया। त्वांग मठ के अपने कमरे में जब तंद्रिल अवस्था में था, उस समय यही सन्यासी प्रकट हुआ था मेरे सामने और उसी के पीछे पीछे सम्मोहित सा चलकर मैं उस रहस्यमय स्थान पर पहुंचा था और फिर वहां वो अचानक लुप्त हो गया था, न जाने कहां। नगारे की आवाज पहले से अधिक तेज हो गई थी। उसके लय पर वे तमाम विवत्स सूरत शक्ल वाली युवतियां कामान सी नाचने लगी थी। उस समय उन सबकी मुद्रा और भाव काफी भयानक और विचित्र थे। मदिरा के नशे में वो सब उन्मत्त हो रही थी। कुछ देर हो होकर हंसने के बाद उस भयानक सन्यासी ने अपने गले से रुद्राक्ष की माला निकालकर पूजा के मस्तक से स्पर्श कराया और फिर एक झटके से उसकी साड़ी खींचकर उसे पूरी तरह नग्न कर दिया। एक नव युवती की यौवन से भरपूर और सुघटित काया अनावृत हो चुकी थी।
मैंने देखा रुद्राक्ष का स्पर्श होते ही पूजा बिल्कुल निर्विकार और शांत हो गई थी। उसका चीखना चिल्लाना और रोना बिल्कुल बंद हो गया था। उसे उसी नग्न अवस्था में लाकर आंगन में एक तख्त पर बिठाया गया। जब वो पद्मासन की मुद्रा में बैठ गई तब उस भयानक कापालिक ने आगे बढ़कर पूजा के नग्न शरीर पर चंदन और घी का लेप किया। उस समय पूजा की आंखें बंद थी और उसके चेहरे पर गहरी शांति छाई हुई थी। उसका सारा शरीर जर्वत हो गया था। लेप के बाद उसकी तांत्रिक विधि से पूजा की गई। उसके मस्तक पर लाल सिंदूर का टीका लगाया गया और गले में जवा पुष्प की माला पहनाई गई। इन सारी क्रियाओं के बाद उसको बलि स्थल के पास ला खड़ा किया गया। उस समय का दृश्य काफी भयानक और रोमांचकारी था। सब कुछ किसी अनजाने लोक सा प्रतीत हो रहा था मुझे। नगाड़ी की आवाज बराबर तेज होती गई। जब मैं उस रहस्यमय वातावरण का जायजा ले रहा था तभी हाथ में चमचमाता हुआ एक काफी लंबी चौड़ी खड़ग लिए भैरवानंद वहां आया। उस समय उसका क्रूर और भयानक रूप बिल्कुल यमराज जैसा लग रहा था। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था और होंठ फरक रहे थे। उसने एक झटके से पूजा की गर्दन बलि युद्ध में फंसा दिया और फिर दोनों हाथों से खड़ग तान कर खड़ा हो गया। सभी उपस्थित कापालिक सन्यासी एक साथ संवेद स्वर में जोर जोर से कोई मंत्र पढ़ने लगे। मंत्रोच्चारण की ध्वनि बहुत ही अप्रिय और भयप्रद थी। अब तक मेरा मन शांत था मगर अब उद्वेलित और विचलित होने लगा था। मैंने चीख कर कहना चाहा कि क्यों हत्या कर रहे हो इस लड़की की, कौन सा अपराध किया है इस बेचारी ने, लेकिन चाहकर भी मेरे मुंह से स्वर नहीं फूटा। मैं स्तब्ध अवाक और हतप्रभ सा खड़ा रहा। मैं आगे कुछ सोचूं समझूं कि उसके पहले ही वातावरण में खच की आवाज गूंज उठी और गूंज कर मंत्रोच्चारण की समवेत ध्वनि में मिलीन हो गई। नारी कंठ से निकला हुआ एक अर्तनाद भी गूंजा और चुप हो गया। एक क्षण में बहुत बड़ी घटना घट गई थी। आंगन में खून ही खून फैला था। उस खून से लिपटी हुई पूजा की कंचन काया छटपटा रही थी। उसका बेजान सा सिर एक ओर लुढ़का पड़ा था। वे तमाम युवतियां नाचना कूदना बंद कर गर्म खून को अपने मस्तक पर चंदन की तरह पोत रही थी। कभी कभी उसे जीप से चाट भी लिया करती थी। मेरे प्राण आतंक से हीम हो गए। लगा कि मैं मूर्छित हो जाऊंगा। एक गहरा सन्नाटा छा गया था वहां। सन्नाटा नहीं अपितु मन में खिन्नता और खोब उत्पन्न कर देने वाली बेचैनी। अब रहा गया नहीं मुझसे। मैं भयातुर कंठ से एक बार की चीख पड़ा, तुम सबने पूजा की हत्या क्यों की? क्यों बलि दे दी उस मासूम लड़की की? क्या किया था उसने? और सिर पटक पटक कर करुण स्वर में रोने लगा। और उस स्थिति में कब तक रहा और कब चेतना शून्य हो गया इसका मुझे पता नहीं। जब चेतना लौटी तो अपने आप को एक सुसज्जित कमरे में पलंग पर पाया। कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी। मैं उठकर बैठ गया। मेरे मानस पटल पर पिछले सारी घटनाएं एक एक कर उभरने लगी। सब कुछ सपना सा लगा मुझे। फिर एकाएक ख्याल आया कि मैं यहाँ और इस कमरे में कैसे पहुंचा, कौन लाया मुझको यहाँ और कौन सी जगह है ये। जब ये सब सोचता हुआ हक्का बक्का सा चारों तरफ सिर घुमा घुमा कर देख रहा था उसी समय न जाने कहां से की नव युवती वहां प्रकट हो गई। मैंने जब उसकी ओर देखा तो बस देखता ही रह गया। रोम की किसी राजकुमारी से लग रही थी वो नव युवती। एक नारी में जितना सौंदर्य चाहिए उतना सब भर दिया था ईश्वर ने उस सद नव युवती में। उस नव युवती का नाम था शिवामई। हेलो दोस्तों, अभी तक आप लोग सुन रहे थे पंडित अरुण कुमार शर्मा जी की लिखी हुई उनकी जीवनी पर आधारित ये कहानी
तिब्बत की वो रहस्यमय घाट का एपिसोड नंबर 3। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी आज की कहानी, आज की एपिसोड्स अच्छी लगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, आज मैं शिवरात्रि मनाती हूँ। मैं एक शिव भक्त हूँ, कह सकते हैं मैं एक शिव भक्त हूँ, सच्चे शिव भक्त हूँ। और मैं पूरा का पूरा उपवास की हूँ। और आज ये सुबह सुबह मैं आप लोगों को ऑडियो बनाकर रिकॉर्डिंग करी हूँ, फिर एडिटिंग करना है, बहुत काम है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब रात को। आप लोग सुनिए अच्छे से ये कहानी, ये एपिसोड्स, और महाशिवरात्रि का आप लोगों को फिर से शुभकामनाएं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।